German Zeppelin Hindenburg, Queen of the Skies. नमस्कार दोस्तों, 3 मई 1937 शाम के करीब 8 बजे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हिंडनबर्ग हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। यह हवाई जहाज जा रहा है अटलांटिक ओशन के दूसरी ओर अमेरिका न्यू जर्सी में। इसमें बैठे हैं करीब 97 लोग, जिसमें से 36 पैसेंजर्स हैं और 61 क्रू मेंबर्स। हवाई जहाज का मतलब यहाँ पर कोई एयरप्लेन नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ एक एयरशिप की। हिंडनबर्ग एक एयरशिप है और दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप है ये। लंबाई में 245 मीटर लंबा। इसका साइज कंपेयर कीजिए आज के बोइंग 747 विमान से और तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली में ये कितना बड़ा है। टाइटैनिक जहाज जो एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था, लंबाई में ये उससे सिर्फ 24 मीटर छोटा था। यही रीजन है कि हिंडनबर्ग को क्वीन ऑफ द स्काइज कहकर बुलाया जाता था और इसे नाजी जर्मनी की शान भी माना जाता था। हिंडनबर्ग एयरशिप की अंदर का नज़ारा कमाल का था। आसमान में उड़ते हुए लोगों को ऐसी लग्जरी देखने को मिलती जो शायद आज के ज़माने में भी ना मिले। लोगों के सोने के लिए अलग अलग कमरे थे। एक सेपरेट डाइनिंग रूम था जहां सब साथ में खाना खा सकते थे। एक सेपरेट लाउंज था जिसमें बड़ा सा ग्रांड पियानो रखा गया था। इसके अलावा रीडिंग एंड राइटिंग का भी रूम हुआ करता था और एक टिकट का प्राइस उस जमाने के $700 के बराबर था, जो कि आज के ज़माने के $7,000 से भी ज़्यादा पड़ेगा। बेसिकली सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे इसमें ट्रैवल करना। 6 मई 1937, 3 दिन के लंबे सफर के बाद हजारों मीलों दूर हिंडनबर्ग पहुंचता है अमेरिका में। इसे लैंड करना है न्यू जर्सी के लेकहर्स्ट नावल एयर स्टेशन में। धीरे धीरे ये नीचे उतरना शुरू होता है। शाम के 7 बजे नीचे उतरते वक्त जमीन पर मौजूद लोग इसकी रस्सियां पकड़ते हैं। इसका लैंडिंग का अलग ही तरीका होता था। आसपास बहुत लोग आए हुए हैं इसकी लैंडिंग देखने के लिए। कुछ कैमरामैन भी वहां पर मौजूद हैं। मौसम इस टाइम थोड़ा खराब दिख रहा है, बादल छाए हुए हैं और थोड़े तेज हवाएं चल रही है। जहाज के कैप्टन एक शार्प टर्न लेते हैं जहाज को हवाओं के साथ अलाइन करने के लिए। ग्राउंड पर मौजूद क्रू रस्सियों को सिक्योर करने जाते हैं। लैंडिंग होने ही वाली होती है कि अचानक से एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है। अलग झपकते ही ये पूरी एयरशिप आग के लपटों में घिर चुकी थी। 34 सेकंड में, सिर्फ 34 सेकंड्स में ये जहाज क्रॉस करता है और आग में पूरा खत्म हो जाता है। The actual crash of the Hindenburg, an airship destroyed in less than half a minute, seared and scorched skeleton of what was once a mighty airship. हिंडनबर्ग डिजास्टर दुनिया हिला देता है। आखिर क्या रीजन था इस हादसे के पीछे? एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 मेन थ्योरीज सामने आती है। पहली थ्योरी थी कि इस एयरशिप को सैबोटेज का शिकार बनाया गया। नाजी जर्मनी की शान को मिटाने के लिए यह एक खतरनाक प्लान का हिस्सा था। कुछ लोगों का मानना था कि किसी एंटी नाजी एक्टिविस्ट या किसी दूसरे देश ने हिंडनबर्ग जहाज में कोई बॉम्ब छुपा रखा था, तभी अचानक से इतना बड़ा धमाका हुआ। तो कुछ लोगों का मानना था कि एडोल्फ हिटलर ने ही इस हिंडनबर्ग एयरशिप को बॉम्ब से उड़ाया है। हिटलर के लोगों ने ही यहाँ पर एक बॉम्ब प्लांट किया अपने ही देश के जहाज को उड़ाने के लिए। असल में बात क्या थी कि इन एयरशिप्स को बनाने वाली कंपनी के मालिक थे एक आदमी ह्योगो एक्नर नाम से, और ये ऐसे गिने चुने लोगों में से थे जो हिटलर के समय में ओपनली हिटलर के और नाजी लोगों के अगेंस्ट बोलते थे। पब्लिकली हिटलर के खिलाफ आवाज उठाना कोई आसान काम नहीं था। यही बात है कि 1933 में जब नाजी पार्टी पावर में आई तो ह्यूगो एक्नर को भी अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी हिटलर के द्वारा, लेकिन उस समय पर इनके अरेस्ट को ब्लॉक कर दिया गया जर्मनी के प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग के द्वारा। 3 साल बाद 1936 में जब दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप बनके तैयार हुआ, हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स ने रिक्वेस्ट करी एक्नर से कि इस एयरशिप का नाम हिटलर के नाम से रख दो, तो ह्यूगो एक्नर ने साफ मना कर दिया और उन्होंने इस हवाई जहाज का नाम हिंडनबर्ग रख दिया। तो कुछ लोगों का मानना था कि हिटलर ने इस एयरशिप को बॉम्ब से उड़वा दिया जलन की वजह से और एक्नर की रेपुटेशन खत्म करने के लिए। अब दूसरी थ्योरी पर आए तो दूसरी थ्योरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के तरफ इशारा करती है जो एयरशिप के एटमॉस्फेयर से गुजरने से जनरेट हुई। कहा गया कि हिंडनबर्ग की मेटल फ्रेम पर स्टैटिक चार्ज का बिल्डअप हो गया था, एक स्पार्क हुआ और इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस अचानक से इग्नाइट हो गई। यहाँ पर कहा जाता है कि एक शार्प टर्न लिया था पायलट ने, जिसकी वजह से ये चीज हुई। फिर आती है तीसरी थ्योरी जो लाइटनिंग स्ट्राइक पर फोकस करती है। मैंने बताया था उस टाइम मौसम खराब था, कहा जाता है कि बिजली कड़की होगी जिससे हाइड्रोजन पर आग लग गई। लेकिन कई दशकों के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि यहाँ पर हिटलर और नाजी पार्टी का कोई रोल नहीं था। सबसे बड़ा रीजन इस एक्सीडेंट के पीछे द मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी बताई जाती है हाइड्रोजन की लीकेज होना और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के वजह से धमाका होना। अनफॉर्चुनेटली ये डिजास्टर सारी एयरशिप्स की रेपुटेशन गिरा देता है। लोगों को रियलाइज होता है कि हाइड्रोजन पर आग लगना कितना आसान है, इनमें ट्रैवल करना काफी खतरनाक चीज है। हालांकि उस टाइम हीलियम गैस की भी इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हीलियम गैस की सप्लाई मेजरली अमेरिका के पास थी और अमेरिका ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी हीलियम गैस की एक्सपोर्ट पर।
1940s तक आते आते एक तरफ एयरशिप्स की रेप्यूटेशन गिरती जा रही थी, लोगों को डर लग रहा था इनमें ट्रैवल करने में, तो वहीं दूसरी तरफ एयरप्लेन्स इंप्रूव होने शुरू होते हैं। पैसेंजर एयरप्लेन्स की स्पीड, रिलायबिलिटी और ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ी तेजी से इंप्रूव होती है। एयरप्लेन्स की कंपैरिजन में एयरशिप्स की जो स्पीड थी वो काफी कम थी, अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर, और वहाँ एयरप्लेन्स वहाँ 700, 800 और 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। हीलियम गैस की भी दिक्कत हो रही थी और खराब वेदर में ज्यादा वल्नरेबल भी होती थी ये एयरशिप, इसीलिए लोग एयरशिप्स को पसंद करना बंद कर दिए थे। तो ये थी हिंडनबर्ग एयरशिप की कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।